प्रीति, अब आप बताओ आपको क्या क्या शिकायतें हो रही थी। मुझे शिकायतें थी कि मेरे स्टोन थी, 2020 दिसंबर लास्ट में पता चली थी कि स्टोन है जी। फिर उसका इलाज हुआ जनवरी से लगभग मई तक इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। होम्योपैथिक ही कहा, उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला अच्छा। फिर दोबारा जुलाई में दर्द हुआ, फिर वहाँ ली कई बार, फिर पता चला यहाँ दिल्ली में कई बार मेरे कोई फैमिली का ही आया हुआ यहाँ, तो उसने बताया, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ पहली बार में ही मतलब मैंने आपको बताया ये दिक्कत है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लगभग दर्द के उन्होंने 7 इंजेक्शन लगा दिए थे, उससे भी दर्द बंद नहीं हुआ था। फिर मैं यहीं आई थी। फिर यहाँ क्या, बस वो आपने जो दवाई दी थी उसमें उससे तुरंत राहत मिल गई थी, वरना मैं जैसनापुर से यहाँ तक दर्द में ही आई थी। लेकिन काफी फायदा हुआ मुझे, दवा जरूर मेरी चली 3-4 महीने, लेकिन रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई है। जी जी जी। और आपको जो इतने दिसंबर से आप किडनी स्टोन से परेशान थे, गुर्दे में पत्थरी थी और वो पेनफुल बहुत थी, दर्द बहुत ज्यादा थी। कहने के लिए तो वो छोटी थी लेकिन उसमें पेन बहुत होता था। उसके वो सिर्फ वो नहीं, आप बाकी दिक्कतें भी थी, जैसे कि पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होना, गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाना, उस स्टोन की वजह से कई सारी दिक्कतें बन गई। वो भी दिक्कतें तेरे को साथ साथ आ रही थी, लेकिन और आपने बहुत वैसे अपनी तरफ से होम्योपैथी भी खाई और एलोपैथी में भी साथ साथ इंजेक्शन से भी दर्द में आराम कुछ नहीं भी नहीं मिला, सिर्फ यहीं से दर्द में राहत मिली है। सबसे खुशी की बात है कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जी जी। आप मेरे पास प्रीति का एक मिनट पर्चा देना, है ना। प्रीति तो मेरे पास आई थी 6 जुलाई 2021 में फर्स्ट टाइम, है ना। और तेरे में पथरी आई हुई थी और पथरी में भी 4 mm की थी। हालांकि वही मैं जब पेशेंट को यही बोलती हूँ कि साइज से लेना देना नहीं होता, कई बार लोगों की बहुत 20-20 mm की भी पथरियाँ होती है, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। और यहाँ छोटी सी 4 mm की, शायद इसलिए इतना समय भी लग गया यहाँ पे आने में कि मतलब ये तो ठीक हो ही जाएगी करके आ जाती है धारणा। नहीं, शुरुआत में ऐसा था कि 3-4 mm की, ऐसे कोई 3 mm की, 4 mm की, 4-5 थी। तो वो ऐसा सबका कहना तो यही है कि बही जाके इकट्ठी हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही ही नहीं हुई थी, ठीक ही नहीं हुई थी, क्योंकि दर्द में क्लिनिकल सिम्टम होता है वो नहीं ठीक हो रहा था। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दर्द होता था, फिर ऐसे पूरे पेट में ऐसा लगता था, होता तेज दर्द आता था। प्रीति आपको, प्रीति एज कितनी है आपकी? एज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स की है ना। और दिसंबर से परेशान थी 2020 से। तो प्रीति की ये तब रिपोर्ट आई थी, 5 जुलाई की इसकी रिपोर्ट है और ये 7 को मेरे पास आ गई थी, 6 को ही आ गई थी, अगले दिन ही आप आ गए थे रिपोर्ट में। तो बाउल में भी इन्फ्लेमेशन आ हुआ था और पथरी तो थी ही थी, और सबसे ज़्यादा वही साइज से मैटर नहीं करता है, पेशेंट के क्लिनिकल रिपोर्ट से ज़्यादा मैटर करता है। उसको दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो जहाँ इसको इंजेक्शन से साथ साथ इंजेक्शन से नहीं रिलीफ हो रहा था, वहाँ से होम्योपैथिक में। और फिर एक बात ये भी आपने कहा था, एलोपैथिक की दवाई ना खाना, मुझे बीच में काफी दिक्कतें हुई, जैसे लूज मोशन हुए, लेकिन मैंने एलोपैथिक नहीं, हो सकता है उसका भी असर हो, इसलिए जल्दी फायदा हुआ। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैंने कई बार सुना है अगर होम्योपैथिक की खाओ तो एलोपैथिक की दवाई खा लो तो काफी पीछे कोर्स चला जाता है। एक्चुअली क्या है, वो ऐसा नहीं होता कोर्स पीछे जाता है, वो ये होता है कि जब हम अपने से ही प्रयास कर रहे हैं तो आपने उनकी और खाली, सपोज दर्द की खाली है खाली, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने आपको ठीक भी करा या नहीं। अब जैसे इन्फ्लेमेशन था तेरे बाउल में, ठीक, अब आप उसमें लूज मोशन की खा लेती हैं एलोपैथिक, तो अब वो तो रोक ही रहती, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम ठीक कर रहे हैं या क्या ठीक हो रही है, तो वो अटल जाती है। मैंने आपको 2 बार में लगभग मैं 1 महीने परेशान रही इस चीज से, लूज मोशन से, काफी परेशान में भी तो बीच बीच में बताती रही, फिर इसमें आखिरी का लगभग 1 महीना आपका बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, ना दर्द ना ज्यादा कोई तकलीफ, लूज मोशन भी नहीं, नॉर्मल ही जैसे डेली रूटीन होता वही बिल्कुल, वो भी अच्छे से करते हुए। फिर इसने, प्रीति ने अब ये कराया है 19 सितंबर को, यहीं से ही कराया है सेम सेंटर से, तो उन्होंने इस बार ना इसकी पथरी दी है, जो इन्फ्लेमेशन आई थी बाउल्स में वो भी सही है,
और मेन जो आपको भी लूज मोशंस पीरियड में जो बहुत तेज पेन होते वो थे वो भी क्लिनिकल सिम्टम्स आपके ठीक हुए। ठीक हुए हैं, मैं बिल्कुल पेन किलर नहीं खानी पड़ी है, ऐसा जब से हो रही हूँ बिना पेन किलर खाए तो गुजार ही नहीं था, बिल्कुल खानी पड़ी, दो दो तीन तीन, लेकिन इस बार एक भी नहीं खाई, वो भी नहीं खानी पड़ी और रिपोर्ट भी ठीक आ गई। दोनों चीजें जब क्लियर होती है तो इसका मतलब हम बिल्कुल क्लिनिकली भी ठीक हो चुके हैं। आपको होम्योपैथी के बारे में क्या कहना थी, आपने देखा कि आपको इतने समय से कष्ट हो रहा था, लगभग दो साल हो गई, हर जगह दिखाया सजावपुर बरेली कहीं फायदा नहीं हुआ जी। फायदा मुझे यहीं आ गया, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये इससे ज्यादा पथरी के लिए इससे ज्यादा कोई अच्छा इलाज नहीं है। होम्योपैथी में बहुत ज्यादा अच्छा करके इलाज होता है, और उससे एक तो आपको जैसे कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ इंजेक्शन से तेज असर करती है, इंजेक्शन से तेज अगर हम सही दवाई दे रहे हैं तो मरीज को तुरंत ही समझ में आता है, घर जाने से पहले पहले समझ में आ जाता है कि हम ठीक हो रहे हैं। फिर चीज है ना कि साथ साथ इंजेक्शन लग जाते थे, दर्द में कोई आराम नहीं, फिर क्या वो नींद वाला ही लगा दिया जाता था, लेकिन अब देखो बस ये खाइए जब तक दवाई, मुझे इंजेक्शन नहीं लगा है। ये इसका क्लिनिकल सिम्टम्स रिपोर्ट तो कुछ भी नहीं है, आपको तो अपना अनुभव बता रही हूँ कि क्या हुआ, क्या कितना ज्यादा आपने वो करा है। और यही मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि साइज और स्टोन से मैटर नहीं करता है, इतना कैदे से कोई ज्यादा दर्द नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कितना हार्डनेस है, वो कितना नुकीला है और हमारे गुर्दे पे कितना प्रभाव डाल रहा है, उससे फर्क पड़ने लगता है पेशेंट को। तो आप बिल्कुल आराम से पेशेंटली हमारे साथ भी लगी रही और लास्ट के मन तो वैसे भी ठीक रही, और फिर हमने जब रिपोर्ट कराई पहले तो मरीज को ही समझ में आने लगता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे खुद से भी इसके पीरियड में भी इस बार कोई पेन किलर इंजेक्शन कुछ नहीं लिया, खुद से भी पेट वेट भी ठीक रहा, स्टोन्स का भी कोई दर्द नहीं हुआ। फिर जब हमने रिपोर्ट कराई तो दोनों बाउल इन्फ्लेमेशन और आपका किडनी स्टोन दोनों ठीक हुआ है। आपको होम्योपैथी से इतना ज्यादा लाभ मिला प्रीति, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी आपकी वजह से ही सही हुआ। नहीं नहीं प्रीति, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस।